एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर एक पर्यावरण के प्रति आज न्यू एंजल सोम में स्टैंडअप 4 और 5 के 150 बच्चों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाला। इसका भ्रमण हमारे डिगवाडिग क्षेत्र के मिल्लत नगर, खटवार बस्ती, बालू लाइन, डिगवाडिग बाजार, 12 नंबर, इंदिरा चौक होते हुए पुनः विद्यालय की ओर आए। आज के इस पर्यावरण जागरूकता रैली का मकसद ये है कि आज जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको रोकना, और इसमें बच्चों की अहम भूमिका होती है। वो सारे बच्चे अपने अपने अभिभावकों को कहेंगे कि एक पेड़ एक जीवन, वन पेड़ वन लाइफ। अगर सभी बच्चे, हर घर के बच्चे अगर अपने अपने घरों में एक एक पेड़ लगाएंगे तो इस तरह से पेड़ों की संख्या बढ़ेगी और पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस बच्चों के जो रैली है उससे आप इंस्पायर हों और अपने अपने घरों में पेड़ लगाकर पेड़ की रक्षा भी करें, उसको समय पे पानी दें और उसको बड़ा करें, क्योंकि जब पेड़ बड़ा होगा तो छाया के साथ साथ फल के साथ साथ हमारे पर्यावरण को बहुत फ़ायदा देने वाला है। जय हिंद। उज्जवल भविष्य के लिए चुने न्यू एंजल होम स्कूल डिगवाडी नंबर 10। कक्षा नर्सरी से 8 तक के छात्रों के लिए अनुभवी टीचर, छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल में प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लासेस, डांस, पेंटिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, सीसीटीवी के नजर में पूरा स्कूल। एडमिशन ओपन न्यू एंजल होम स्कूल डिगवाडी नंबर 10। आवर कॉन्टेक्ट फॉर 9576711101 and 9297861111. तो आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणों की परमात्मा। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम